उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव का आदमी हूं, गरीबी को देखा हूं, गरीबी को भोगा हूं, गरीबी में पला हूं, गरीबी में बढ़ा हूं। प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर। मैं केवल उपन्यास की बात नहीं करता और कोई आंकड़े का खेल नहीं मैं करता। कभी राजा महाराजा जब कोई काम नहीं होता था तो शतरंज का खेल खेलते थे। आजकल कुछ विद्वान हैं या तथाकथित विद्वान हैं या स्वकथित विद्वान हैं, वो आंकड़े का खेल खेलने लगते हैं। मैं उन आंकड़े के खेल में जाने वाला नहीं हूँ। मैं गांव का आदमी हूँ। कबीरा बाँचे आखिन देखा, पंडित बाँचे पोथिन लेखा। बहुत जी, बहुत अच्छी बात है। करुणाकरण जी बोल रहे थे, उसके बाद राहुल गांधी जी बोल रहे थे। करुणाकरण जी महंगाई की जब बात कर रहे थे तो अंग्रेजी में बोल रहे थे। मैं उतनी अंग्रेजी नहीं जानता लेकिन कुछ कुछ समझ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो आपने करुणाकरण जी अपने भाषण में महंगाई के लिए जितना जिम्मेदार एनडीए को ठहराया उतना ही यूपीए को ठहराया। और उन्होंने यूपीए के एक 14वीं लोकसभा में यूपीए के पार्टनर भी थे। जब उन्हीं का साझेदार, उन्हीं का हिस्सेदार, जिनकी मदद से वो सरकार चलाते थे, वही कहते हैं कि यूपीए में भी महंगाई थी और एनडीए में भी है। तो जब उनके साथ रहने वाला ही उनके तथ्यों को, उनके आंकड़े को काट रहा है तो मैं कहाँ काटने जाऊँ, स्वयं अपने समझ लें। अभी वो राहुल गांधी जी मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे, उनके नारे को दिखा रहे थे। गांव में जाकर के आखिर 20-21 करोड़ लोगों ने जो जनधन योजना में खाता खोला, वो क्या बॉम्बे के, कलकत्ता के, दिल्ली के बड़े लोग थे? वो इतने लोग खाता खोले, 30,000-32,000 करोड़ रुपया गांव के गरीबों ने जमा किया। आखिर उनके वाणी में आवाज है। अरे सुनो, आप सुनो तो। अच्छा एक बात सुनो, आप बोल, राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो कोई हल्ला कर रहे थे? हम तो शांति से सुन रहे थे। और जो आदमी तथ्य में, तर्क में, सत्य में कमजोर होता है, वो अपने हल्ला के जरिए सत्य और तथ्य को छिपाना चाहता है। ये लोकतंत्र का नियम है, आप सुन लीजिए। हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया ने कहा था, लोकतंत्र का आधार तर्क है, लोकतंत्र का आधार बहस है, लोकतंत्र का आधार हल्ला करना नहीं है। जो अपने विरोधी और विपक्षियों की बात सुनने की साहस नहीं रखता है, वो आदमी लोकतंत्र के मर्यादा को कभी जान नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आंकड़े की बात कर रहे थे, अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी लोकसभा में 6 सितंबर 1963 राष्ट्रीय आय का वितरण पर बोलते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, और उस बात को मैं समझता हूँ, जानता हूँ। उन्होंने कहा था, अंकशास्त्री और अर्थशास्त्री दो विषधर की तरह है, और बीन जिस तरह की बजाओगे उसी तरह से वो नाचेगा, अलग नाचने लगेगा। और अगर बीन बजाना ही नहीं जानते हो तो फिर नतीजा क्या निकल सकता है? आप अपने बीन बजाए, आप बीन बजाए, आपके बीन पर वो नाचा, आपके बीन पर वो नाच दिखाया था, जिसमें कौन बना या नहीं बना, 70,000 करोड़ रुपया अगर किसानों को माफ किया था तो उसी अवधि में, जो एनपीए का कितना माफ किया था उसी अवधि में, जो कर्ज माफी कितना किया था बड़े लोगों का, अपने तन का मरम न जाने मानुख मन बना है, अपने को झांको। और आप जो कहते हो रंजन जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मत बोलो, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ लड़ते आया हूं वो लड़ते रहूंगा, मोदी के माध्यम से उनके, जिनके विरुद्ध मैं लड़ा हूं
उनको अपने गांव गरीब किसान मजदूर पिछड़े दलित की ताकत का एहसास कराया हूं कि गांव गरीब किसान मजदूर पिछड़े दलित वो जब जगता है तो हिंदुस्तान में इतिहास बनाता है। अब मोदी का बनना भी भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। जैसे गांधी के नेतृत्व में आजाद भारत लाके अंग्रेज को हटाना एक घटना था, वैसे ही मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस को हटाना भी एक ऐतिहासिक घटना है, जो तथ्य है, जो सत्य है। इसलिए आपसे मैं बोलिए, कहिए, आपके लिए मैं बैठ सकता हूँ? आपकी तो इज्जत हम बहुत करते हैं, लेकिन आपका जो राजनीति पलट गई है, जो अंतर हो गया है, पहले आप लोहिया जी के शिष्य थे, लोहिया जी ने आपको जैसे समाजवाद का तत्व दिया, तो जो सेक्युलरिज्म दिया और उनके तत्व के ऊपर ही चलने का, और आपको फॉलो करने वाले इधर भी लोग है जी, लेकिन आपका एकदम जो न्यू टर्म हो गया वो बड़ी मुश्किल हो गई, और उनको लेके आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। उस बहस को मैं माननीय मल्लिकार्जुन जी से कहना चाहूंगा विनती करके, अगर संप्रदायवाद पर, पंथ निरपेक्षता पर, हिंदू मुस्लिम पर किसी दिन सदन में बहस रखिए, और मैं डॉक्टर लोहिया के उन तर्कों के साथ बता दूंगा कि डॉक्टर लोहिया की धारणा क्या थी। डॉक्टर लोहिया ने इसी सदन में कहा था कि हिंदुस्तान में दो तरह की सांस्कृतिक सद्भावना की बात है, एक गुलामी का है और एक स्वामी भाव का है। इसलिए किसी दिन करो बहस, जाने दीजिए, उसको छोड़िए। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। अभी करुणाकरण जी जब गिनती करा रहे थे, उन्होंने महंगाई के बारे में 21 कारणों को बताया, 21 बिंदुओं की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित किया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये डीजल और पेट्रोल की कीमत तो बढ़ते रहे हैं उनके राज में भी, और वो भी तर्क देते रहे। मैं 15वीं लोकसभा में उधर से दूसरी पंक्ति में बैठ करके बहस करते रहता था, तर्क देते रहते थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर डीजल और पेट्रोल से जो भी पैसे बचे या जो भी कर लगा करके बचाया, सरचार्ज लगा के, उस पैसे को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने उस पैसे को क्या किया? हिंदुस्तान के गांव गरीब किसानों के लिए कृषि सिंचाई योजना से लेके बाकी जितनी योजनाओं का नाम राजीव गांधी के नाम है, उन सब योजनाओं में लगाया। और फिर उससे आगे जो गरीब है, जो बीपीएल वाले हैं, इन गरीबों को जो सस्ते दर पर गैस का कनेक्शन दिया है, आपने क्यों नहीं दिया था? हिंदुस्तान के जो निर्धन निर्बल गरीब पिछड़े दलित समाज के हैं, जिनका आंख फूटता था, जो धुएं में रहती थी, जो गरीबनी माँ कम उम्र में मोतियाबिंद का शिकार हो जाती थी, ऐसे निर्धन निर्बल गरीबनी माँ जो चूल्हा फूकते फूकते अंधी हो जाती थी, उनके तरफ का भी आपका ध्यान नहीं गया? अगर उस गरीबनी माँ के तरफ किसी का ध्यान गया तो नरेंद्र मोदी है, जिसने उनको हजारों लोगों को उन्होंने वो गैस चूल्हा दिया। 1500 रुपया में चूल्हा और गैस का सिलेंडर मिलता है, 130 रुपया हर सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता है। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? ये महंगाई रोकने का उपाय नहीं है क्या? महंगाई रोकने का उपाय है नहीं? अगर आप जोड़िए, हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ इन गरीबों को ये चूल्हा देंगे, उस पर लगभग 1500 रुपये में उनको चूल्हा मिलेगा, बाकी 1600, बाकी जो 4000-3000 में चूल्हा लेते थे, कितने रुपए की बचत उन गरीबों के घर में हुई है? गरीब का दख कि जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई, का दुख जाने दुखिया माए। अरे उपन्यास पढ़ लेना आसान है, राजा जी आएंगे, कंपनी लेके आएंगे, गांव में जाएंगे, गरीब के झोपड़ी में सो जाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, मक्खन पाव रोटी खाएंगे, वो गरीब की बेटी देखते रह जाएगी, केवल एक गीत गाएगी, राजा जी की आएगी बारात सुहानी होगी, रात मगन में नाचूंगी।
कब वो नाचेगी सो भगवान जाने, कब राजा जी की बरात फिर दोबारे जाएगी वो गरीब जाने। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने कहा सुनो सुनो उपसभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पेट्रोलियम पदार्थ से ही खाद बनते हैं। मैं भारत के रसायन मंत्री उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं गया था उनके पीठ थपथपाया, उनके बाह को पकड़ा, हमने कहा डॉक्टर लोहिया के सपना को आपने साकार किया है। एक पर कभी कभी आपने जो डीएपी पर कीमत कम की गई उसको आपने कभी देखा? आपने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, 250 रुपया प्रति बोरी पोटास, 125 रुपया डीएपी और मिश्रित खाद पर 50 रुपया, एक गरीब निर्धन निर्मल पिछड़ा आदिवासी जो सीमांत किसान है, जो एक बोरी पोटास एक बोरी डीएपी एक बोरी मिश्रित खाद खेत में डालता है, हर आदमी को आज भारत सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी ने सीधा 500 रुपए की बचत कराया है। एक आप कहते हो कैश ट्रांसफर, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है कि उन्होंने कहा पॉकेट ट्रांसफर, कि बैंक में कहा तुम्हारा पैसा जाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में रहेगा, गरीब पिछड़े दलित। और ये जो डीएपी खाद से जितने लोगों को फायदा हुआ है उसमें 95% पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, ये किसी एक जाति के नहीं है। और अगर इस 95% में अगर खोजा जाए तो 80% वो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनको सीधा 500 रुपया जेब में बचा है। आपने कभी सोचा था? इसलिए नहीं सोचा था कि आपके उनके लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी के दिल में इसलिए दर्द है कि हम उस गरीबनी माँ के पेट से जन्म के आए हैं, उस गरीबी को हमने देखा है, उस गरीबी को हमने भोगा है। आइए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, डॉक्टर लोहिया ने इसी लोकसभा में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी से कहा था, दो काम कर दो तो 5 साल तक मैं तुम्हारी सरकार को नहीं छेड़ूंगा। पहला काम कि गरीब के घर में जो औरतें हैं धुआं से जिनका आंख खराब होता है उनके लिए धुआं रहित चूल्हे का इंतजाम कर दो। बहुत आविष्कार हुआ लेकिन आखिर मोदी ने उस सपना को साकार किया कि ये गैस सिलेंडर वो बीपीएल वाले को देके वही धुआं रहित चूल्हा से उनके आंख की रोशनी को बचाया है, लोहिया का सपना पूरा किया। दूसरा, लोहिया ने कहा था कि गांव के अंदर जाओ, जहां सड़क पर घुसते हैं गांव से निकलते हैं सड़क के दोनों किनारे औरतों के शौचालय से नरक की जिंदगी बनी रहती है। इंदिरा गांधी आप औरत हो, औरत के दिल में ममता होता है, आप उस माँ की ममता से सोचो और हिंदुस्तान के इन औरतों को सड़क के किनारे शौचालय जाने से मुक्त कर दो। मैं 5 साल तक आपकी सरकार को नहीं छेड़ूंगा। कहा कि आपने इतने दिन, क्योंकि आपको क्या मतलब था? आपको नहीं मतलब था, आप जिनके लिए थे उनके लिए सोचते रहे। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उस पर जितना पैसा खर्चा होगा वो पैसा कहाँ से आएगा? हम उस पैसा से स्वच्छ भारत मिशन चलाएंगे, घर घर तक शौचालय बनाएंगे, उन गरीब की माँ और बहनें जो सड़क के किनारे सोच के लिए खड़ी होती है उनको भी रानी और महारानी के जैसे इज्जत के साथ अपने घर के शौचालय में जाने देंगे। ये है हिंदुस्तान, एक तरफ है महारानी, एक तरफ है गांव की गरीबनी, उस गरीब की गरीबनी को भी हिंदुस्तान के महारानी के तरफ बनाएंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, बातें लंबी लंबी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा दिल खोलने लगता है। दवा की कीमत कम कर दी गई, क्या वो गरीब को लाभ नहीं मिला? डायबिटीज का, टीबी का, कैंसर के दवाओं की कीमत कम कर दी गई। जेनरिक मेडिसिन के लिए प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत वो किया गया, उसे वो आवश्यक नहीं था क्या? वो भी आवश्यक था। अब आइए, मैं किसान हूँ, आपसे कहता हूँ
कि दीर्घकालीन और तात्कालीन योजना की बात करुणाकरण जी ने किया है। आपके समय में उन्होंने कहा भंडारण की व्यवस्था नहीं, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं, कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं। अगर इसकी व्यवस्था रहती तो जिसको कहते हैं कटाई उपरांत वो बर्बादी नहीं होती। आपने क्यों नहीं बनाया? प्रधानमंत्री ग्रामीण गल्ला गोदाम योजना श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, वो आपका चलाया हुआ नहीं है। लेकिन 10 वर्षों तक आप शासन में रहे, बोलिए कितना ग्रामीण गल्ला गोदाम बनवाए, कितना कोल्ड स्टोरेज बनवाए, कितना आपने कोल्ड चेन बनवाया, कितना रेफ्रिजरेटेड ट्रक बनवाया, कितना रेफ्रिजरेटेड ट्रेन में बोगी लगाया। घड़ियाली आंसू बहाते हैं और किसान की बात करते हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, और बात करते हैं यहाँ बैठ करके गरीब और मजदूर किसान की। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, सुनो, जब जब चुनाव आता था गरीब के बीच में जाते थे, कोई योजना लेके जाते थे, मैं योजना लेके आया हूँ, आओ गरीबों आओ, भीख का कटोरा लाओ, उस कटोरे में कुछ डालेंगे, मेरी गीत गाओ, और कहते 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 थे मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले, एक बार वोट दे के दिल्ली पहुंचा दे फिर मैं कमाल करके दिखाऊंगा। क्या कमाल करके दिखाए, क्या कमाल करके दिखाए। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये लोहिया ने नारा दिया था। आज प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना, उससे गरीबी मिटेगी, हर खेत को पानी जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, खाद की कीमत कम होगी, किसान का लागत कम होगा, अरहर की खेती और दाल की खेती, इसकी बात आप करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़े देके मैं इनको समझा दूं, जरा जरा आप भी उपाध्यक्ष महोदय देख लीजिए, अरहर नॉर्मल एरिया फॉर होल खरीफ सीजन 40 लाख हेक्टेयर, नॉर्मल एरिया एज डेट 5 इयर्स एवरेज घट करके आ गया 31.9 लाख हेक्टेयर, दिस ईयर 216 घट करके उसको कमते गया। हम धीरे धीरे जो अरहर की खेती, उड़द की खेती, तूर की खेती, मूंग की खेती, कुल्थी की खेती, हमारा जो एरिया था जहाँ 107 कुल टोटल पल्स 107.6 लाख हेक्टेयर में था, वो घटते घटते 64.7 लाख हेक्टेयर पर आया। कब से तब से निरंतर घटते गया, क्यों? बड़े बड़े आए हो कहने के लिए, दलहन के समर्थन प्राइज नहीं दिए, दलहन की खेती में रोग लगते हैं, मैं किसान हूं, अरहर में, उड़द में, मसूर में, कुल्थी में, जो दलहन की खेती है उसमें जब कीड़ा का प्रकोप होता है तो पूरा का पूरा खेत नाश हो जाता है। ज्योतिरादित्य बैठे हैं, इनके एरिया गुना में जब चुनाव लड़ रहे थे तो इनके विरोध में देशराज यादव चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से, मैं एक सप्ताह तक प्रचार करने गया था, जब नारा लगता था देशराज का कि एमकी जीत हमारी है, देशराज की बारी है, तब मैं घूमा तो चना की खेती को देखा, केवल गुना में चना की खेती। लेकिन एक बार जनवरी फरवरी महीना में अगर जोरदार वर्षा हो जाए, चना का पौधा धुल जाए, उसका खट्टापन खत्म हो जाए, तो उसमें ऐसा कीड़ा लगता है कि उसके सभी फलियों को छेद देता है और उससे चना की खेती पूरी समाप्त हो जाती है। अरहर लग जाए एक बार जनवरी फरवरी में, अगर वर्षा हो जाए, लाही कीड़ा गिर जाए, खत्म हो जाए। उसे बचाने के लिए कोई उपाय सोचा? अभी कृषि मंत्रालय के द्वारा ICAR के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन दवाओं का आविष्कार किया है। हम उन दवाओं का छिड़काव करेंगे, लगी फसल को बचाएंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे, दलहन का 300 रुपया सपोर्ट प्राइस देके किसानों को प्रोत्साहन देंगे, दलहन की खेती को आगे बढ़ाएंगे। जब दलहन की खेती बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जब खजाने में दाल की ज्यादा आएगी तब कीमत कम होगा। केवल यहाँ बहस करने से कीमत कम नहीं हो जाएगी, यहाँ तो हम बहस करते हैं कीमत कम करने का, लेकिन हम उत्पादन बढ़ाने की योजना पर नहीं सोचते हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, उत्पादन बढ़ेगा कब? जब किसान को MSP की कीमत बढ़ाएंगे तब,
हमने बढ़ाया है 300 रुपया दलहन पर भारत सरकार ने बढ़ाया है, और उसके लिए दीर्घकालीन और तात्कालीन दोनों योजना है। मैं आपका माननीय करुणाकरण जी से कहना चाहूंगा, भारत सरकार के तरफ से, कृषि मंत्रालय के तरफ से जो 5 अल्पकालीन और 15 दीर्घकालीन विशेष ये योजनाओं का जो बात की गई है, ये सारी योजनाएं धीरे धीरे लगेगी, एक दिन में नहीं लगेगी। और जब इस योजना धीरे धरती पर उतरती जाएगी, रूपांतरण होता जाएगा, किसान के हाथ में पैसा चलता जाएगा, किसान के खेत में पानी बढ़ता जाएगा, किसान के घर में खुशहाली आती जाएगी, किसान का बेटा खड़ा होता जाएगा, हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति लाएंगे, हिंदुस्तान को सफल बनाएंगे। और अगर कभी होगा तो मैं कह देना चाहता हूँ, धीरे धीरे चलो। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, दिनकर जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बारे में कभी छद्मवेश में कहा था, आनन सरल वचन मधुमय है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर उस नागिन का विष से भरा दसन है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, हजारों लोग आज लोकसभा के चैनल को सुन रहे होंगे, माननीय करुणाकरण जी के तर्क को भी सुना, उनके तर्क को अंग्रेजी पढ़ने वाले खाली समझेंगे, मेरे तर्क को तो गांव का गरीब, सड़क का मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला, जिसके नाम पर उनका ऑर्गेनाइजेशन बना के आप लड़ते रहे, लेकिन न उनकी भाषा, न उनकी भूषा, न उनकी बात आप कर नहीं पाते हो। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम तो जहाँ से आए हैं उनकी भाषा, उनकी भूषा, उनका व्यवहार, उनका भोजन कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों उनसे प्रार्थना करता हूं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान मिलके बनाएंगे हिंदुस्तान। एक बार नहीं, 2019 का चुनाव आएगा, फिर मोदी भारत के सिंहासन पर बैठेगा, और हिंदुस्तान के जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, उनके कलेजे पर इस बार 1 क्विंटल दाल दलर रहे हैं, जब उनके कलेजे पर 10 क्विंटल की चक्की बैठा के दाल दर्रेंगे, तब उनको पता लगेगा ये सब क्यों आप बौखलाए हुए हैं। इसलिए कि जेटली जी वो काला धन निकालने के लिए बड़े कड़े कानून बना रहे हैं। अरे बात करते हो कहीं, पेट में घाव है कहीं, अब नस्तर मारते हो कहीं, वो मोदी जेटली जी ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं कि सारे लोगों का दिवाला पिटने वाला है, और जिनका दिवाला निकलने वाला है वो अब दूसरे तरफ चिल्ला रहे हैं, वो दाल की भाव खोज रहे हैं, वो अरहर खोज रहे हैं। अरे दाल अरहर खोजने वाले, मैं आखिरी में एक उदाहरण दूंगा, मैं 1960 में राजनीति में आया था, जब ग्राम पंचायत का प्रधान बना। अब उस समय सोचो बड़ी बड़ी बात करने वाले कितने का जन्म हुआ होगा या नहीं होगा, सो भगवान जाने। मैं 1960 में ग्राम प्रधान बना था, ब्लॉक प्रधान बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना, 3 बार बिहार में MLA बना, 2 बार भारत सरकार का मंत्री बना। अरे मैं तो गांव की गली से चला हूँ, एक गरीबनी माँ के गोद से चल के हिंदुस्तान के लाल किला तक की यात्रा किया हूँ। इसलिए मैंने हिंदुस्तान को सतह से लेके शिखर तक देखा है, हिंदुस्तान को मैंने जर्रे जर्रे को देखा है, हिंदुस्तान के जन जन और कण कण को परखा है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोग एक सपना लेके आए थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे। वो मंजिल था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाया देश बचाया, मोदी लाया, एक सपना एक पड़ाव साकार हुआ। अब आगे का सपना है, उसको भी पूरा करेंगे। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है उपाध्यक्ष महोदय, 67 में 1 बोरी सीमेंट का दाम था 11 रुपया, 67 में 1 बोरी सीमेंट की कीमत थी 11 रुपया, और आज 320 से 370 रुपया। 67 में लोहा 100 रुपये, 125 रुपये कुंटल, आज है लोहा 3500 से लेके 4800 रुपये कुंटल। किसने बढ़ाया? अब हम 67 से
लेते लेते आपकी तुलना करें तो ये 40 50 बरस आपने राज किया है, आपके इतने आंकड़े इकट्ठा कर देंगे कि उसी आंकड़े के अंदर आप दब जाओगे, उसी के अंदर उठ नहीं पाओगे। इतने ही आंकड़े आपके 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 लिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बताओ, आप दाल की बात किए करुणाकरण जी, टमाटर की है, आलू की है, किसान के फसल की किए, बहुत धन्यवाद। अगर महंगाई बढ़ गई तो दो पैसा अगर हमारे जेब में आया, किसान के जेब में गया, तो दूसरा पक्ष जगाया गया। तारिक साहब, इसमें से कितने हो, इसमें से कितने हो जो भादों के कादों में, जेठ की दोपहरिया में, जारे माघ की थरथराती ठंड में, कितने हो जो खेत के मेड़ पर गए हो, कितने हो जो खेत के सराय हो। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, लेकिन सीमेंट का दाम बढ़ गया, लोहा का बढ़ गया, धोती की बढ़ गई, कपड़ा का बढ़ गया, दवाई के बढ़ गए, सामान के बढ़ गए, आखिर इस औद्योगिक माल की कीमत बढ़े, महंगाई की चर्चा में मैं किन्हीं के मुंह से उसको नहीं सुनता हूँ। इसलिए दर्द होता है, इसलिए दर्द होता है कि मेरे फसल की कीमत कहीं किसी तरह से बाजार में बढ़ती है। ठीक है, भोजन सबके लिए आवश्यक है, सस्ता मिलना चाहिए, उसमें हम आपके सहयोगी बनेंगे। आप एमएसपी प्राइस नहीं चाहिए, उसे कम कीमत पर लोगे किसान दे देगा, लेकिन हमें सीमेंट भी तो सस्ता दो, लोहा भी तो सस्ता दो। हमारे भैंस की बैल की नादी बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, वो भी तो सस्ता दो, कपड़ा भी तो सस्ता दो, इसको रोको। लेकिन जब इन उद्योगों को रोकने के लिए हम कड़े कदम उठाएंगे, तब हम कहेंगे यहाँ चोट मारो, तब आप कहोगे कि नहीं वहाँ चोट मारो। अरे कितना खेल खेलेंगे, एक बार समझ लीजिए, आप जितने भी खेल खेलोगे, आपके हर खेल के खिलाड़ी को मैं समझ चुका हूँ, आपको इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े माहिर हो, बड़े माहिर हो, खिलाड़ी तो बदलते रहते हो लेकिन अपना खेल नहीं बदलते हो। हिंदुस्तान में पहली बार खिलाड़ी के साथ साथ खेल भी बदला है, अब यह क्रम रुकेगा नहीं। हिंदुस्तान के गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित शिनातान के उठेंगे, और मोदी के नेतृत्व में ही नए हिंदुस्तान की रचना करेंगे। वो हिंदुस्तान की रचना जिसमें नकली फर्जी चेहरे वाले का कहीं नामो निशान नहीं होगा, और हिंदुस्तान असली भारत का निर्माण होगा जो चौधरी चरण सिंह ने सपना देखा था। धन्यवाद।